मुस्लिमीन की जानिब से दसवीं क्लास के सरकारी मदारस के उर्दू मीडियम के दसवीं क्लास के तलबा तालिबात ने सालार मिल्लत मॉडल पेपर की तकसीम नकीब मिल्लत बारसुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पे आज शादनगर जड़चल्ला महबूबनगर नारायणपेट मक्तल इन पांच मुकाम पर यह मॉडल पेपर की तकसीम अमल में लाई गई और काफी तादाद में तलबा तालिबात ने इसे इस्तेफादा किया और हर तरफ से लोगों से शिकायत ये तारीफ आ रही है कि ये मॉडल पेपर से हमको काफी मदद मिली, हमारे नतायज अच्छे निकल रहे हैं। इस सिलसिले को कभी भी मत रोको, इसको जारी रखिए, इससे हम मजीद हमारे बच्चों को सहूलत होगी। मेरा अच्छी तरीके से यहाँ इतने मजालिस की तरफ से एहतमाम किए गए मुकाम पर तलबा तालिबात ने शिरकत की और हम तमाम को मजलिस की तारीख से वाकिफ करा गया, नकीब मिलत हबीब मिलत की खिदमत से वाकिफ करा गया और नकीब मिलत हबीब मिलत की सलामती दराजी उम्र के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई। इस मौके पर नारायणपेट में वाक़ एक बड़ी बारगाह हजरत सैयद शाह मोहम्मद तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिरी दी गई, वहाँ पर भी नकीब मिलत हबीब मिलत के लिए दराजी उम्र सलामती के लिए दुआ की गई और उनके उनके तहफ़ के लिए वहाँ पर दुआ की गई। तमाम इतने मजालिस के लोगों ने इस मौके पर शिरकत की और फातह खानी में शरीक रहे, शुक्रिया। हुकूमत अगर किसी की है तो तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की है। वो अदाए जी बरी हो के नवाए आजिनाना, वो अदाए जी बरी हो के नवाए आजिनाना, जो दिलों को फतह कर दे वही फातह है इंसान पर दिलों पर हुकूमरानी हजरत तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की है। जहाँ मैं बचपन से आगे जाते रहता हूँ उनके शरीफ में और मुझे भी एतकाद है, मैं भी मानता हूँ हजरत को, हजरत के फैजान को जानता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम सुल्तान रुबाइदीन हजरत सैयद कुतुबुल्लाह पाशा कादरी जलीकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ उनसे शरीफ में बात करते थे आगे उनके साथ। बचपन से मैं आता था यहाँ पर, अल्लाह के करम से आज तक मैं आता हूँ यहाँ सुंदर में मुर्शिद शरीफ में चिरागों के दिन। और ये नारायण पेट अगर किसी के ही जो अमान में वो तकी बाबा रहमतुल्लाह भी इतना बड़ा आस्थाना यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी पर भी कोई आफत नहीं आ सकती क्योंकि तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का फैजान यहाँ पर जारी और सारी है। यहाँ के उनके मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले हैं तो उनको भी तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह बचाते हैं, उनके ऊपर भी उनकी नजरें गर्म होती है। ऐसे बारगाह में हम दुआ करेंगे, जाके हाजिरी देंगे, नबी में मिलत हबीब मिलत की दराजियों पर उनकी सलामती के लिए दुआ करेंगे। आपसे भी दुआ की दरखास्त करते हुए ये गुजारिश करूंगा, हमको भी कर सके ये जमाने में कम नहीं।